Good afternoon, all of you. Today we have to discuss the social and legal position of women in ancient India. Social and legal position of women in ancient India. Today we have to discuss the social and legal position of women in ancient India. प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, सामाजिक और विधिक? सामाजिक स्थिति प्राचीन काल में महिलाओं की जो थी वह अत्यंत आदर पूर्ण और सम्मानजनक थी। महिलाओं की स्थिति वो थी जैसे उस समय एक महान ऋषियों की स्थिति थी, जो ऋषि तपस्या करके एक अपने आप को प्रभुत्व के रूप में एक लंबे अंतराल तक तपस्या करके अपने आप को स्थापित करके पूज्य स्थान पर पहुंचाते थे या पहुंचते थे, उसी स्थिति में महिलाओं की भी स्थिति थी प्राचीन काल में। उन दिनों नारी को बहुत सम्मानजनक स्थिति में देखा जाता था, साथ ही उन्हें उच्चतम शिक्षा भी दी जाती थी, गुरुकुल व्यवस्था की शिक्षा दी जाती थी। नारी सम्मान की वस्तु थी, नारी को कभी भी अवहेलना की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, नारी को कभी भी भोग विलास की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, नारी का सम्मान यथेष्ट होता था, नारी को एक ईश्वरीय रूप में देखा जाता था, नारी को दुर्गा देवी और जैसे महान विभूतियों के रूप में, हमारे देश के महान सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जैसे महान हस्तियों को देखने की तुलना उनसे की जाती थी। प्राचीन काल में नारी का सामाजिक स्तर एक उच्च कोटि का था, उनके स्तर में गिरावट कहीं एक इंच मात्र भी नहीं थी। नारी सर्वदा पूजन्ते थी, यत नरेस्तु पूजन्ते रमन्ते तन्त्र देवता। नारी को एक देवता के रूप में देखा जाता था। नारी का स्थान प्राचीन समय में नारी का स्थान एक देवतुल्य था। महाराजा जनक की सभा में एक बल्क गार्गी सिस्टर गार्गी का बहुत बड़ा स्थान था। मैत्री में विख्यात ब्रह्मवादिनी थी। मंडल मिश्र की धर्मपत्नी भारती अपने काल की अत्यधिक विख्यात विदुषी थी, जिन्होंने अपने विद्वान पति के पश्चात आदि शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था। महान विभूतियों के पीछे यदि देखा जाए तो नारी का ही हाथ रहा। महाकवि कालिदास के पीछे विद्योत्मा की प्रेरणा, तुलसीदास के पीछे उनकी स्त्री की प्रेरणा, और जिन्होंने धिक्कारा और गांधी के जीवन में उनकी माता पुतलीबाई की मूल प्रेरणा कार्य थी। भारतीय नारी का अतीत का दर्शन अगर आप देखेंगे तो वह गौरवपूर्ण था और कालांतर में उनकी स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे उनकी स्थिति सोचनीय होती गई। मध्यकाल में मुसलमानों की आक्रमण से हिंदू समाज का मूल ढांचा चरमरा गया और नारी की स्थिति धीरे धीरे मुसलमान शासकों का अनुकरण करने लगे। नारी मात्र एक भोग विलास
की वासना की तृप्ति का मात्र कारण बनकर रह गई। अपना जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। महादेवी वर्मा ने कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत की नव तन में, इस रोज से बह करो जीवन के सुंदर समतल में। एक तरफ नारी को बहुत महान शख्सियत के रूप में देखा गया कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत की नव तन में, इस रोज से बह करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी को जीवन में एक पुरुष के परस्पर सह संवर्धि माना गया और जिसे सरस्वती काली मातृका के रूप में माना गया। वर्तमान में नारी का स्थान एवं भूमिका जो कि मूत करो नारी को मानो चिर बंधनी नारी को, अनुच्छेद 23 और 24 में भी अंतर्गत किसी भी प्रकार के शोषण को मना किया गया है भारतीय संविधान में कि नारी के साथ कोई भी शोषण नहीं किया जाएगा। अगर शोषण होता है तो उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। अनुच्छेद 51 का नारी के अंतर्गत मूल कर्तव्य अनुच्छेद 243 के अंतर्गत स्त्रियों के आरक्षण को भी प्रदान करता है और 1990 में स्त्रियों के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। अब देखिए आपके सामने एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि एंशियंट पीरियड और वर्तमान समय में अगर तुलना करें तो नारी जो है, प्राचीन काल में नारी का स्थान एक सर्वोच्च स्थान था, सर्वोच्च स्थिति के रूप में उसे देखा जाता था और वह देवतुल्य थी और कई महान विभूतियां हमारे समाज में उन्हें आज भी आदर सम्मान पूर्वक देखा जाता है। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, स्थितियां बदली और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब नारी को हम देखने लगे तो एक वर्तमान समय में जो स्थिति नारी की आई वह केवल आज भोग विलास का साधन बनकर रह गई। आज आप देखेंगे कि देश में या विश्व स्तर पर नारी की स्थिति को देखते हुए अगर आप प्रकाश डालेंगे तो आपको यह दिखाई देगा कि नारी जो है एक तरफ समाज उन्हें कुंठा की दृष्टि से देखता है और दूसरी तरफ नारी के लिए जीने के लिए साध्य के रूप में पुरुषों की एक साधन मात्र बन गई है। और आप देखिएगा कि आप भारत ही नहीं विश्व स्तर पर नारियों को आप देखेंगे कि उनके साथ भारतीय संविधान से लेकर महिला और वीर और कानून के अन्य क्षेत्रों में उनके लिए बहुत सारे ऐसे कानून प्राविधान दिए गए हैं जो उन्हें सम्मान दिलाते हैं। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वुमेन एम्पावरमेंट पर भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। इसके बावजूद भी नारी जो है विवश है अपना जो है चरित्र बेचने के लिए। आप देखेंगे कि आज समाज में उनको परोसा जाता है, उनको परोसा जाता है। बड़े बड़े शहरों में यह जो है एक ऐसी स्थिति में इनको पेश किया जा रहा है जो धन अर्जन के लिए बहुत बड़ा माध्यम बनी है। इसीलिए यह आज चिंता का विषय है। अगर आज प्राचीन काल की स्थिति से आज वर्तमान की स्थिति की तुलना करें तो नारी की स्थिति में बहुत बड़ा गिरावट आया है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? सामाजिक व्यवस्था, समाज में गिरती हुई कानून व्यवस्था को ना तो जिम्मेदार कह सकते हैं, ना तो समाज के उन तबकों को जिम्मेदार कह सकते हैं जो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन एक ऐसा तबका है जो पश्चिमी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, पश्चात सभ्यता से जुड़ा हुआ है,
जो इस चीज को परसने के लिए और उन्हें इस कार्य को करने के लिए विवश कर रहा है। आप देखिएगा भारत के 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देह व्यापार बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। कलकत्ता, मुंबई, बनारस, इलाहाबाद ऐसे ऐसे सिटियों में देह व्यापार के काम खुलेआम हो रहे हैं और हमारे देश की जो बालिकाएं जिनको स्कूल में होना चाहिए वो वहाँ लगाई नहीं है। इसके लिए सरकार चाहकर भी उनके साथ नहीं कर पा रही है, क्योंकि क्या होता है कि पहले तो उनके उनको प्रलोभन देकर कुछ ऐसे समाज के अराजक तत्व उनको उठा उनसे संबंध उनको संपर्क में लेते हैं और उनकी गरीबी उनकी परिस्थितियों का फायदा उठाते हैं और फिर उस जगह पर पहुंचा देते हैं जहां से वापस होना उनके लिए नामुमकिन सा होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द लीगल पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया। अब इसमें कुछ चीज और पोजीशन लीगल पोजीशन एंड सोशल ठीक पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा जाएगा लेकिन उत्तर यही होगा। डिस्कस द पोजीशन ऑफ वुमेन Do you think that women in ancient India were given a responsible status। जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे responsible status। अब देखिए डिस्कस द लीगल पोजिशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन काल में महिलाओं की क्या स्थिति। डू यू थिंक दैट वुमेन इन एंशिएंट इंडिया वेर गिवन रिस्पेक्टेबल स्टेटस। क्या महिलाओं को प्राचीन काल में सम्मान मिलता था। कमेंट क्वेश्चन सेम है आंसर सेम होगा और आज फिर चर्चा करेंगे। एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द चेंजिंग सोसाइटी सेकेंड क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिए। अब देखिए एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वुमेन इंडियन वुमेन इन चेंजिंग सोसाइटी। बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की क्या स्थिति है। बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की स्थिति यह है कि महिला जो है महत्वपूर्ण स्थितियों को लेकर आज चल रही है। आज अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे ध्यान देंगे तो महिला जो है
मुख्य रूप से कभी भी उसके साथ विद इन वन टाइम इक्वल रिमुनरेशन एंड इक्वल सर्कमस्टांसेस के तहत महिला और पुरुष के साथ कोई भी भेद नहीं होगा। और देखिएगा भारतीय संविधान में इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर लॉ, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, उसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इनकी बातों को रखने में महत्वपूर्ण भूमिका रख रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में गठन के बाद इसके बाद महिलाओं की स्थिति को गंभीर रूप से लिखा है और उसमें सुधार की बहुत ज्यादा स्थिति आई है। पहले क्या होता था कि महिलाओं के साथ जो भी घटनाएं होती थी वह घटना केवल घटना मात्र होकर रह जाती थी, अपराध करने वाला सजा तक नहीं पहुंच पाता था। स्थिति यह होती थी कि वह या तो पंचायत स्तर पर उसे वहीं पर सुलह करके स्थिति को खत्म कर दिया जाता था, उसे कोई बहुत बड़ा कठोर दंड नहीं मिल पाता। लेकिन महिला आयोग के गठन के बाद स्थिति जो है अब ऐसी नहीं है। स्थिति जो है पूर्ण रूप से अब महिलाओं के पक्ष में है। अगर महिला अपनी बात को उठाती है तो महिला आयोग उसको टेक ओवर करके उस पर निगरानी करेगा और सरकार से सवाल करेगा और सरकार जवाबदेही होगी और उस महिला के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज होगा और सरकार को उसके विरुद्ध एफिडेविट भी देनी पड़ेगी। अब देखिए अब टू सम एक्सटेंट व्हेन वी हैव टू टॉक अबाउट दिस स्टेटस ऑफ इंडियन वुमेन इन चेंजिंग सोसाइटी यू हैव टू ऑलरेडी नो, आप पूर्ण रूप से जान रहे हैं कि स्थिति विश्व की बदल रही है, चेंज हुई है तो महिलाएं भी बदल रही हैं। अब देखिएगा स्थिति ये होती है कि महिलाओं में भी एक प्रतिस्पर्धा है बढ़ने की। वह किसी ऑफिस में जाती हैं, काम करती हैं, ऑफिस में काम करने के दौरान कभी कभी महिलाओं के साथ ज्यादती होती है लेकिन कभी कभी महिलाएं ज्यादती करवाती हैं। कहीं अटैचमेंट उनका खुद होता है, कहीं अटैचमेंट कोई करने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में जब कोई अटैचमेंट उनका होता है या उनके साथ दुष्प्रभाव की होता है या अगेंस्ट द लॉ उनके साथ व्यवहार होता है तो उनको FIR से लेकर सारी चीजें पूर्ण रूप से है कि वो दर्ज कराएं और कोई भी ऐसी अश्लील घटना के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास न करें। लेकिन आप देखेंगे कि रोज आज के दौर में रोज मर्रा की जिंदगी में महिलाएं अश्लील घटनाओं के साथ जुड़ रही हैं, स्टेटस को न ध्यान देकर पैसे पर उनका जोर जा रहा है और पैसे पर पैसे के पीछे वह कार्य कर रही है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से। इंडियन वुमेन इन चेंजिंग सोसाइटी, ठीक है आज इतना ही। थैंक यू, गुड बाय ऑल ऑफ यू।